हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल 3.1 में अलग अलग सिटीज़ का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है, और उसके बाद हमसे कहा गया है प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी कि हमें इस डाटा का यूज़ करके डबल बार ग्राफ बनाना है, और उसके बाद इसी डाटा से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमको देने हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 20 जून 2006 का ये डाटा हमें दिया गया है, जिसमें अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। और मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस डेटा को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इस डेटा में सिटीज भी ज़्यादा हैं और हमें डबल बार ग्राफ भी बनाना है, इसलिए इसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक बड़ा ग्राफ पेपर यूज़ किया है। अगर आप छोटे ग्राफ पेपर पे इस डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल आ सकती है। तो सबसे पहले हम ये एक्स एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और ये वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम सिटीज दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिखाएंगे। यहाँ पर हमने ये भी मेंशन कर दिया है स्टूडेंट्स कि जो अनशेडेड बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर को, और जो शेडेड बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम टेम्परेचर को। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वाई एक्सिस पे जो हमने इन नंबर्स के बीच में जो ये गैप लिया है, ये 10 10 का गैप लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और जो सबसे बड़ी वैल्यू इस डेटा में हमें दी गई है वो हमें दी गई है 41 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए यहाँ पर हमने 50 तक मेंशन किया है। इस डेटा में अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स वो है 38 डिग्री सेल्सियस, तो ये बार दिखा रहा है कि अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब आप 10 का गैप लेते हैं तो हर लाइन पे 1 नंबर का गैप आता है। तो अगर ये 30 है तो 30 के बाद अगली लाइन क्या होगी, ऊपर की तरफ 31, 32, 33, 34, फिर 35 आएगा, फिर 36, 37 और यहाँ आएगा 38। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ 40 है तो 40 के नीचे वाली जो लाइन होगी वो 39 को शो करेगी और उसके नीचे वाली लाइन 38 को। तो ये बार शो कर रहा है कि 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है अहमदाबाद का, और अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। 29 डिग्री आप कैसे दिखाएंगे, 30 से नीचे वाली जो लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी 29 डिग्री सेल्सियस को। तो ये बार दिखा रहा है कि अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि जो शेडेड बार होगा वो मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा और जो अनशेडेड बार होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अनशेडेड बार दिखा रहा है कि अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है।
इसके बाद ये बार यहां पर दिखा रहा है कि अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, देखिए यहां पर 30 है, उससे नेक्स्ट लाइन 31, फिर 32, 33, 34, 35, 36 और इस लाइन पर आएगा 37। तो ये बार दिखा रहा है कि अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। और ये बार यहाँ पर दिखा रहा है कि अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 26 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर यहाँ पर 20 है तो उससे नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 21, फिर 22, 23, 24, 25 और यहाँ आएगा 26। और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। ये शेडेड बार इस चीज़ को दिखाता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है अमृतसर का वो 26 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद ये बार यहाँ पर दिखा रहा है स्टूडेंट्स के बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 30 है, 30 से नीचे वाली लाइन क्या होगी 29, 29 से नीचे वाली लाइन क्या होगी 28। तो ये बार दिखा रहा है कि बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ये बार शो कर रहा है कि बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 21 डिग्री सेल्सियस। तो 21 आप कैसे शो करेंगे, ये 20 है तो 20 से अगली लाइन क्या होगी 21। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे 21 डिग्री सेल्सियस को। इसको हमने शेड भी कर दिया है, यानी कि बेंगलोर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इस शेडेड बार के द्वारा हमने दिखाया है 21 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 36 आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ये 30 है, उसकी अगली लाइन क्या होगी 31, फिर 32, 33, फिर 34, फिर 35 और यहाँ आएगा 36। तो ये बार दिखा रहा है कि चेन्नई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद चेन्नई का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि चेन्नई का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। आप 27 डिग्री सेल्सियस कैसे दिखाएंगे, ये 20 है, इससे नेक्स्ट लाइन 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ आएगा 27। और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है, यानी कि चेन्नई का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 38 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, ये 40 है स्टूडेंट्स, तो 40 के नीचे वाली लाइन क्या दिखाएगी 39 और 39 के नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 38। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। तो 28 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, ये 30 है, 30 के नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 29 और 29 के नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 28। तो इसको हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 39 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर है स्टूडेंट्स 40, तो 40 से नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 39 को। तो ये बार दिखा रहा है कि जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। तो 29 आप कैसे शो करेंगे, ये है 30, तो 30 से नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 29। और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 41 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 41 आप कहाँ पे शो करेंगे, देखिए यहाँ पर है 40, तो 40 से अगली लाइन जो ऊपर की तरफ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी 41। तो यहाँ पर ये बार हमें दिखा रहा है कि जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 41 डिग्री सेल्सियस।
जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया स्टूडेंट्स 26 डिग्री सेल्सियस, तो ये बार दिखा रहा है कि जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। तो 26 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर है 20, 20 से अगली लाइन होगी 21, फिर 22, 23, 24, 25 और यहाँ आएगा 26, और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया स्टूडेंट्स 32 डिग्री सेल्सियस, तो ये बार हमें दिखा रहा है कि मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 32 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर है 30, तो 30 से अगली लाइन क्या होगी 31, और उससे अगली लाइन क्या होगी 32, तो ये बार दिखा रहा है कि मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया स्टूडेंट्स 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये बार हमें दिखा रहा है कि मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। 27 आप कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर है 20, 20 से अगली लाइन क्या होगी 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ आएगा 27, और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि मुंबई का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें जो डाटा दिया गया था स्टूडेंट्स, हमने उस डाटा को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें ये डबल बार ग्राफ किस तरीके से बनाना है। अब हम 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, हमें उस सिटी के बारे में बताना है जिसके मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस टेबल में आप चेक कर सकते हैं, जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। 41 डिग्री सेल्सियस में से अगर आप 26 डिग्री सेल्सियस माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जम्मू के मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री सेल्सियस। और यही डिफरेंस इस डेटा में सबसे ज़्यादा है। अगर आप किसी और सिटी के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस को चेक करेंगे तो वो 15 डिग्री सेल्सियस से आपको कम ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा जम्मू, यानी कि जम्मू के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। अब हमें बताना है स्टूडेंट्स कि हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि हॉटेस्ट सिटी कौन सी है। हॉटेस्ट सिटी के लिए आपको चेक करना होगा कि कौन सी सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इस डेटा में चेक करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है, जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस, तो जम्मू ही हॉटेस्ट सिटी होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे हॉटेस्ट सिटी जम्मू। अब हमें पता करना है कि कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। तो कोल्डेस्ट सिटी के बारे में आप कैसे पता करेंगे, जिस सिटी का मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम होगा वही कोल्डेस्ट सिटी होगी। तो सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर किसका है, बेंगलोर का। बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम कह सकते हैं कि बेंगलोर ही कोल्डेस्ट सिटी है क्योंकि इसका मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कोल्डेस्ट सिटी बेंगलोर। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें दो सिटीज का नाम बताना है जिनमें एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए। तो इस टेबल में आप चेक कर सकते हैं बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर देखिए कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस, यानी बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर भी 29 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कह सकते हैं कि बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस कम है अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर यानी 29 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारा सेकंड आंसर है बेंगलोर एंड अहमदाबाद, यानी बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है।
फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि हमें उस सिटी का नाम बताना है जिसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे कम डिफरेंस है। लीस्ट डिफरेंस मतलब सबसे कम डिफरेंस। तो आप इस डेटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 32 माइनस 27 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5 डिग्री सेल्सियस। और इस टेबल में हमें जितनी भी सिटीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, मुंबई के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस ही सबसे कम है। और किसी भी सिटी के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस को अगर आप चेक करेंगे तो वो 5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा मुंबई, यानी कि मुंबई के मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।